मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था, ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। इस तथाकथित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे हुआ करता था। आप इन दोनों को देखो फोटो में, कौन दिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? ये है विष्णु शंकर जैन, ये हरि शंकर जैन, ये बाप बेटों की जोड़ी ने जो है अयोध्या का राम मंदिर जो केस था उसको लड़ा, उसमें ये लोग दिग्विजय हुए। इस काशी का जो विश्वनाथ का जो केस है वो लड़ रहे हैं, उसमें भी ये दिग्विजय अवश्य होंगे, और आने वाले कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस भी इन्हीं के द्वारा जो है लड़ा जाएगा। तो आखिर को इन लोगों का नाम से क्या लगता है कि विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन, दोनों में हरि है और शंकर है, हरिहर दोनों ही हैं, और साथ ही साथ ये जैन भी हैं। तो सोचिए कि पहले जो बोल रहे थे कि अयोध्या राम मंदिर तो जो है बौद्धों का प्लेस है, बौद्ध मंदिर है, तो इस प्रकार से जो है सनातन धर्म में जो चार हिस्से हैं, हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध है और जैन है, ये चारों सनातन धर्म के धर्म ध्वज चार स्तंभ है, चार खंभे हैं, इनको तोड़ने के प्रयास किया जाते रहते हैं। तो ऐसे महामूर्ख लोग जो कि सनातन धर्म के इन चार स्तंभों को अलग अलग मानते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो जैन जो पिता पुत्र की जो जोड़ी है, तो फादर सन डुओ जिन्हें कहा जाता है, वो दिग्विजय अभियान अपना चला रहे हैं, और इस प्रकार से वो भगवान श्री राम लला को स्थापित कर चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं। इसके अलावा जो काशीपति श्री विश्वनाथ भी जल्दी आने वाले हैं, उस पर भी कार्यवाही हो रही है। तो इनका जो है, हम इनका बात क्यों कर रहे हैं, इनसे हमें जो सीख लेनी चाहिए कि आजकल जो हिंदू अपने आप को सो कॉल सेकुलरिज्म के नाम पे मूर्ख बनाते हुए जो है वेस्टर्न लिब्रांडुओं के पीछे पड़े हुए हैं, अपने धर्म का विरोध कर रहे हैं, अपने धर्मद्रोही बने हुए हैं, उनके लिए सीख की आवश्यकता है कि जैन भाइयों ने देखो जैन कम्युनिटी इतनी छोटी है जो कि सनातन का ही एक भाग है, तो फिर भी ये लोग अपना इतना योगदान देते हैं, और अयोध्या सहित जो है काशी मथुरा दोनों का भी केस लड़ने वाले हैं। तो सोचिए कितने निर्भय होकर जो पिता पुत्र की जोड़ी है, सनातन धर्म का धर्मध्वज थामे हुए हैं, और किस प्रकार से भगवान श्री रामलला के बाद अब काशीपति विश्वनाथ, उसके पश्चात कृष्णलला अर्थात श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस भी लोग लड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनसे बस शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने धर्म को जो है संघर्ष करना चाहिए, ऐसे जातिवाद में नहीं टूटना चाहिए, या ऐसे जो है धर्म पंथों में नहीं टूटना चाहिए। हमारा जो इतिहास है, हमारा जड़ है वो सनातन है, हम सभी एक ही संस्कृति से आते हैं, हमारा धर्म ध्वज एक ही है भगवा, और हम सभी एक ही जन्मभूमि अपनी भारत माता में जन्म लेने वाले हैं। इस प्रकार से सभी को अपने जो है कर्तव्यों का और अपने अपने जो है दायित्वों का जो है इस प्रकार से अनुभव और जो है याद होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ऐसे जो है किसी के बांटने में या फिर जो चुनाव प्रचार में आपको अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में या फिर अलग अलग जो है जातियों में बंटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जो जड़ है सभी का एक ही है, चाहे वो भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक हो, सभी जो है राम मंदिर सभी के लिए है, रामलला की स्थापना सभी चाहते थे और सभी उनसे प्रसन्नता। उसी प्रकार से जो है सिख धर्म और बौद्ध धर्म और इस प्रकार जैन को जो है हिंदुत्व से अलग करने की जिन जो मूर्ख बात करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सीख लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से पिता पुत्र की दिग्विजयी जोड़ी जो है हमारा धर्म ध्वज थामे हुए हैं, और किस प्रकार से वो जो केस लड़ रहे हैं और उसमें जो है हमें विजयी प्राप्त करवा रहे हैं। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते, लेकिन काशी तो काशी है, काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। साक्षात इनके नाम में भी देखिए विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन, हरिहर अर्थात साक्षात जो हरिहर के रूप में अवतार लेने वाले लग रहे हैं दोनों के बाप बेटे, और द फादर एंड सन अनबीटेबल डुओ जिन्हें कहा जाता है, दोनों पिता पुत्र के जोड़ी जो है सदैव जो है सलामत रहे, और इस प्रकार जो आगे ये लोग ऐसे दिग्विजय अभियान चलाते रहें और भगवान श्री काशीपति विश्वनाथ को स्थापित करें, जो कि कॉरिडोर जो पहले से बन चुका है उसमें जो है काशी विश्वनाथ की जो मंदिर में जो विवाद चल रहा है, वहाँ पर विवादित जो ढांचा है वहाँ पर विवाद चल रहे हैं, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात मथुरा में वो विवादित है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्या आप इन दोनों पिता पुत्र का और जानते हैं, क्या आप इनका नाम भी जानते हैं, या फिर इनका आपने कभी इससे वीडियोस पहले कभी सुना था कवर जो बताएगा, क्योंकि ये अनसंग हीरोज होते हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता।